वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ जीके जीएस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो है वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये रेलवे के लिए एग्जामिनेशन जो LP टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC CHSL के लिए, CGL एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए पूरा अंतिम तक, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को नीचे आप कमेंट भी लिख सकते हैं, हम कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं WWW। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था WWW का आविष्कार? तो देखिए पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, मार्टिन कूपन और आरएस टॉमिलसन। तो देखिए ये इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने ये जो है WWW का आविष्कार किया था। कभी कभी जो है आपसे पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो है इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर इसका आविष्कारक पूछा किसने आविष्कार किया था तो टिम बर्नर्स-ली, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 केल्विन के समान क्या है? तो देखिए इसको जो है 300 केल्विन, देखिए ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जब केल्विन रहता है तो केल्विन को अगर आप सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो उस फार्मूला को आपको देखना है कि जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपको जो है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है 273 केल्विन होता है। तो अब देखिए इसको जो है आप बना सकते हैं, अगर जहाँ ये इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे कि 300 हो जाए, तो 300 माइनस 273 कर दीजिए कितना आ रहा है 27, तो ये जो है 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। कि कैसे किए हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, इसके बाद जो है आपको जो है एक सिस्टमेटिक वे में ये चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो 300 केल्विन था, इसमें जो है 273 केल्विन घटा दिए तो आपको 227 डिग्री सेल्सियस मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं, किस तापमान पर जल जो है बर्फ बन जाता है, किस तापमान पर जो है जल जो है बर्फ बन जाता है? तो है 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आंसर, सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नासा कब स्थापित हुआ था? नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, तो ये कब स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1955, 1958, 1960, 1962। तो सही आंसर होगा 1958। 1958 ईस्वी में जो है नासा की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सा उत्तक जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पानी ले जाता है? देखिए दो चीज़ है, एक होता है कि भोजन भी ले जाता है, दूसरा होता है पानी ले जाता है। अगर आपको वाटर ले जाने के लिए कोई टिश्यू का नाम बोले पौधा का, तो देखिए ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, एडिपोस, इनमें से कोई नहीं, तो जाइलम इसका आंसर होगा। पानी जो है जाइलम ले जाता है और फूड जो है भोजन जो है ये फूड जो है भोजन ये फ्लोएम ले जाता है। फो से फूड होता है, फो से फ्लोएम होता है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जाइलम जो से जल होता है, जो से जाइलम होता है, ठीक है, जल होता है ना, तो जल से जो से जल, जो से जाइलम, और फूड से फूड है, तो फो से फूड, फो से फ्लोएम, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पौधे में जो है पानी जो है जल जो है विभिन्न भागों तक जाइलम ले जाता है, तो इसका आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? जो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1191, 1192, 1193, 1195। तो इसका सही आंसर है 1191। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि 1192 में दूसरा हुआ था और 1191 में तराइन की पहला युद्ध हुआ था। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? देखिए भारत का जो संविधान बना था उसमें हमने जो है जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा अलग अलग कंट्रीज के, उसमें से जो चीज़ अच्छा लगा हमारे देश के संविधान में उसे अडॉप्ट कर लिया गया, ले लिया गया। तो उसमें से ये भी लिया गया था कानून के समान संरक्षण, यानी जो कानून होगा उसके समान जो उसके सामने जो है सबका संरक्षण किया जाएगा। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो ये देखिए रूस है, अमेरिका है, आयरलैंड है और ब्रिटेन है। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था कानून के समान संरक्षण। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, देखिए एक प्रारूप समिति बना था, ड्राफ्टिंग कमिटी बना था, तो उसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा बी एन राव या चौथा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जो प्रारूप समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो ये देखिए डुरंड रेखा किन दो देशों के, ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया एसएससी के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रेलवे में भी इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। रेलवे और एसएससी का जो है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। देखिए रेलवे में जो है इंग्लिश की बात नहीं किया गया है, बाकी एसएससी में आप जानते हैं कि इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आपको तैयार करना है लगभग एसएससी का जो सिलेबस है, एफटी का जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, बाकी करेंट अफेयर तो आपको तैयार करना ही है, बाकी जीके जीएस का भी जो सिलेबस है उनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे रेलवे एग्जामिनेशन में भी। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो भारत तथा पाकिस्तान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, भारत तथा चीन, अमेरिका तथा कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, तो इसको जो आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने सारे देशों के बीच में जो इम्पोर्टेंट जो रेखा है उनके लिए एक अलग से वीडियोज बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ जो है भारत तथा पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन है, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ। और इस चीज़ को भारत चीन के बीच में जो है जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जिसको कि चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन इंडिया जो है इसे एक्सेप्ट करता है। तो भारत और चीन के बीच में कौन सा है, मैकमोहन रेखा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, तो देखिए ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1947। तो देखिए पूर्ण रूप से जो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, यानी भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो वो लगभग जो है 3 साल लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तो इतना दिन लगा था आपको लगभग, देखिए 3 साल के लगभग भारत का संविधान बनने में लगा था। तो एक बार चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं सभी 10 क्वेश्चन को, उसके बाद जाकर लेक्चर को समाप्त करेंगे। WWW का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम वर्नर्स ली ने किया था। 300 डिग्री केल्विन के समान क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, तो हम लोग क्या करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किस तापमान पर जल जो है बर्फ बन जाता है, वाटर आइस बन जाता है, यह है 0 डिग्री सेल्सियस पे। नासा जो कि स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, वो कब स्थापित हुआ था, 1958 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और पौधों में जो है जल कौन ले जाता है, कौन सा टिशू ले जाता है, तो उसका नाम है जाइलम, और फूड जो है फ्लोएम ले जाता है। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। कानून के समान संरक्षण ये जो अमेरिका से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डुरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।